Hi guys. Welcome to my YouTube channel, MH4 Network. Please subscribe my channel, also don't forget to click bell icon. Thanks. Assalamu alaikum student. इस वीडियो में हम 2017 में PPSC Mathematics का जो पेपर है उसके मैकेनिक्स और वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. 2017 के पेपर में मैकेनिक्स और वेक्टर कैलकुलस से 18 सवाल आए थे. पहले 18 सवाल वेक्टर कैलकुलस और मैकेनिक्स के ही थे. आइए इन्हें सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इसमें ऑप्शन है बेसेल, लीजेंडर, पॉइजन, नन ऑफ दीज. अब हमें इनकी शक्ल का पता होना चाहिए. इसमें अगर बेसेल इक्वेशन देखें वो इस फॉर्म की होती है, सेकंड डिग्री फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये बेसेल इक्वेशन नहीं है. लीजेंडर इक्वेशन की फॉर्म ये होती है. आपको ये फॉर्म याद रखनी पड़ेगी ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए. और पॉइजन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में ये होती है, एफ अगर जीरो हो तो ये लाप्लास इक्वेशन बन जाती है. सो हमारे पास ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन. अब इसमें दो ऑप्शन रिपीट हैं, सेकंड ऑप्शन सही नहीं है स्टेटमेंट और क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी कुछ सही नहीं है, पैरेलल और एंटी पैरेलल. अब अगर वेक्टर हमारे पास पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा. अब अगर ऑप्शन को देखें तो ए और सी कोई सा सही कहा जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 3, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी इज. हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए लाइन की जो पोजीशन एक पॉइंट से पास करे जिसका पोजीशन वेक्टर ए हो और पैरेलल हो वेक्टर बी के. सो इसमें पहली दो ऑप्शन में से एक आंसर है. अगर पासिंग थ्रू अ पॉइंट हो और पैरेलल हो वेक्टर के तो ये इक्वेशन बनेगी जो ऑप्शन बी है. जो ऑप्शन ए है उसमें पासिंग थ्रू बी है और पैरेलल है ए के. सो ऑप्शन ए आंसर नहीं है, ऑप्शन बी आंसर है. और जो ऑप्शन सी है ये इक्वेशन तब होगी जब दो पॉइंट्स से पास करे इक्वेशन और ए और बी उसके पोजीशन वेक्टर हो, सो तब ऑप्शन सी बनेगी. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस वन, ए क्रॉस बी ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है, नीचे डॉट प्रोडक्ट है, इस रेशियो को हमने फाइंड करना है. सो हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला अगर इस पे अप्लाई करें तो ये बनेगा हमारे पास. अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें सेम वैल्यूज हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से कैंसिल हो जाएगा, साइन और कोसाइन की पाई बाय 4 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होती है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे. सो सिंपली 1 आ जाएगा आंसर. सो ऑप्शन ए इज अ आंसर. अब इस क्वेश्चन में ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, फाई इज एंगल बिटवीन देम, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है. दो वेक्टर गिवन हैं और उनके दरमियान एंगल है. अगर इसकी डायग्राम को देखें सो हमारे पास ये डायग्राम बनती है. ए वेक्टर अगर हम बॉटम पे रखें, दूसरा बी रखें. सो इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन है, हम ए माइनस बी वैक्टर जनरेट कर सकते हैं. और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम या जनरलाइज पाइथागोरस थ्योरम देखें जिसको कोसाइन आइडेंटिटी या कोसाइन लॉ भी कहते हैं, सो वेक्टर के एक्सप्रेशन में हमारे पास ये बनेगा. अगर हम इसको यूज करें सो ये इक्वेशन है, ए एंड बी यूनिट वेक्टर हैं, सो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी. और इसको और सिंपल करेंगे तो ये बन जाएगा. अब फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, डबल एंगल या हाफ एंगल आइडेंटिटी, इसको यूज कर सकते हैं. 1 माइनस कोसाइन 5, सो इसको प्लग करें तो ये बनेगा. अब अगर दोनों साइडों पहले इसको सिंपल कर लें, अगर स्केयर रूट अप्लाई करें सो मैक्सिमम हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये साइन हाफ एंगल की वैल्यू आएगी. और अगर इससे जनरेट करेंगे कोसाइन हाफ एंगल की आइडेंटिटी यूज करके, सो चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं बनेगी. इस क्वेश्चन में की स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन है.
Question number 6, the work done by the force, very simple question, through a displacement or is. Work done ka formula hume pata hai, force into displacement hota hai, dot product. So hamare paas force bhi given hai, displacement bhi given hai, uska dot product lein, to simply 9 aa jata hai, option C is a answer. Any three vector are coplanar if and only if. अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ तीन वेक्टर का जीरो के इक्वल आ जाए, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, दोनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं. सो ऑप्शन ए इज अ आंसर. द वेक्टर आर, अब इसमें पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर, अभी हमने देखा था पैरेलल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए. कोलिनियर होते हैं कि पैरेलल लाइन पे एग्जिस्ट करें या सेम लाइन पे ही आ जाएं, इसको भी कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं. और कोप्लेनर अभी देखा है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए. सो कोप्लेनर हम तीन वेक्टर को कहते हैं. सो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकती. बाकी दोनों ऑप्शन को हम इनका पैरेलल होना चेक कर लेते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखें, हमें पता डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ये वेक्टर बन रहा है जो जीरो वेक्टर नहीं बन रहा. सो इसका मतलब है वेक्टर पैरेलल नहीं है, और तो फिर ये कोलिनियर भी नहीं हो सकते. सो दोनों ऑप्शन गई. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इफ ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है. अभी हमने देखा था अगर डॉट प्रोडक्ट हो परपेंडिकुलर होते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो सो पैरेलल होते हैं. परपेंडिकुलर होना, पैरेलल होना, दोनों एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट कंसेप्ट हैं. यहाँ तो पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन सो ऑप्शन ए नहीं हो सकती, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकती. इसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही वेक्टर है जीरो वेक्टर. अगर दोनों जीरो वेक्टर हों तब ये दोनों एट सेम टाइम एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड विद साइड ए बी सी. पैरेललोपिप्ड थ्री डिमेंशन में ये होती है, अगर तीनों साइड हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंट करें. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर तीनों वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू लें, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड भी बन जाता है. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डिटरमिनेंट से कैलकुलेट होता है. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 यूनिट आंसर आ जाएगा, क्यूबिक यूनिट. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. अ पार्टिकल ऑफ अ मास मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड बी द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. सो सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपीडियल फोर्स इसे हम कहते हैं. सो सर्कल में मूव करने के लिए उसका एम इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बी स्केयर ओवर आर होता है. सो फार्मूला सेंट्रीपीडियल फोर्स का एम बी स्केयर ओवर आर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ थिन रॉड ऑफ अ लेंथ एल. सेंटर हमने फाइंड करना है लेंथ एल मास की रॉड का. सो सेंटर जो होगा वो बिल्कुल सेंटर पे ही आएगा रॉड के. ये अगर हमारे पास रॉड है, इसकी लेंथ अगर एल है, सो लेंथ एल है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे 0 0 प्लेन में है, और ये 0 L हो जाएंगे. और सेंटर फिर यहाँ पे बनेगा. सो सिंपली सेंटर के कंपोनेंट 0 और एल ओवर 2 होगा. इसके ऑप्शन में भी सेंटर के लिए पॉइंट दोनों होने चाहिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. सिर्फ ऑप्शन सी में वाई कंपोनेंट लिखा है, इसी को एग्जैक्ट मान लेते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर लेमिना इन द अपर हाफ लाइज ऑन. सेंटर ऑफ द मास जो होता है वो एक्सिस के ऑफ सिमेट्री के ऊपर होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस जगह होता है. अब अपर हाफ सेमी सर्कुलर अगर हम बनाए लेमिना तो ये बनेगा हमारे पास, और इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल होगा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. सो ये वाई एक्सिस कंसिडर होगा, क्योंकि जो लेमिना है उसका जो सेंटर है वो बिल्कुल ओरिजिन पे है और रेडियस ए है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ अ रेडियस ए एंड मास एम अबाउट अ डायमीटर. ये पूरा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है अगर आप ये टेबल याद रख लें, क्योंकि हर पीपीएससी के पेपर में किसी इन ही डायग्राम में से किसी ना किसी का सेंटर ऑफ मास पूछा जा सकता है.
और इस टेबल को लेफ्ट से अगर रीड करें अपर लेन से, तो ये याद रखना आसान है। अगर आपके पास रॉड है लेंथ एल की और एक्सिस थ्रू सेंटर है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 एम एल स्केयर होगा। अगर एक एंड पे आ जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह अगर डेप्थ विड्थ भी आ जाएगी, सो 1/12 मेरे पास प्लेन बन जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेन। और फिर हॉलो सिलेंडर का पूछा जा सकता है, सोलर सिलेंडर का पूछा जा सकता है, इन सबको याद कर लें। इसमें हमें सोलर स्फीयर का पूछा गया है, सो ये 2/5 एम आर स्केयर है। और रेडियस का स्केयर हो जाइए, हमारे पास क्वेश्चन में ए है रेडियस, सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल बी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट देन पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इज, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, हमारे पास अगर ऑब्जर्विंग पॉइंट जीरो हो और एक पाथ जनरेट हो रहा हो, सो ये हमारे पास रेडियल वेलोसिटी होगी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पाथ का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, पाथ की पोलर फॉर्म होनी चाहिए। और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर लेंगे तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें देखें, ये जो पाथ है, पाथ एक कर्व है, पाथ कर्व है, पाथ का डेरिवेटिव लेंगे तो रेडियल वेलोसिटी बनेगी। पाथ अगर आपके पास कर्व है तो इसका मतलब ये सेकंड डिग्री कम अज कम विद रिस्पेक्ट टू टी है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, तब कर्व है। और अगर ये फर्स्ट डिग्री होगा पाथ, तो इसका अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे जो रेडियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आएगी, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नॉन जीरो कांस्टेंट। सो फर्स्ट डिग्री अगर कर्व होगा तो वो बिल्कुल सीधा कर्व होगा, जैसे लाइन की इक्वेशन होती है, और हमने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पाथ को ऑब्जर्व करते जाना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो ये बिल्कुल सीधी एक ही रेडियस पे जनरेट होता जाएगा पाथ, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट हो, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल मूविंग विद जीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज, ये सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पॉइंट। सो ये तीनों कंडीशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहली, अगर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल जीरो कब होती है बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, अगर पार्टिकल को आप थ्रो करें वर्टिकली एक पॉइंट पे जाके, टर्निंग पॉइंट पे जाके, मैक्सिमम पॉइंट, वो पॉइंट होगा जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। सो ये ऑप्शन सी बन रहा है, जब पॉइंट बने, पाथ डिस्क्राइब बाय पार्टिकल विद वेलोसिटी जीरो, सो इस वेलोसिटी जीरो हो सो तब पॉइंट होगा। और अगर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के, ये तब होती है जब आप थ्रो अप करें, सो गोइंग अप वर्टिकली अपवर्ड, तब पाथ स्ट्रेट लाइन बनता है बट द एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑपोजिट होता है। सो सेकेंड केस अगर हमारे पास कंडीशन में गिवन होता तो स्ट्रेट लाइन आंसर होता। और सर्कल कब हो सकता है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो एक्सेलरेशन के, व्हेन सर्कुलर पाथ बन रहा हो, व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऐसा सवाल पहले भी हमने किया, विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड द वेलोसिटी टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन इज अ रेडियल, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अ नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो सर्कुलर पाथ बनना था अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो एक्सेलरेशन के, स्ट्रेट लाइन बननी थी ऑपोजिट बिल्कुल हो, और पॉइंट तब बनता है पाथ जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। एनी बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम अरेस्ट हाइट, दिस वन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो पहले हमें वेलोसिटी चाहिए, ये न्यूमेरिकल है कंप्लीट, इसको सॉल्व करते हैं। पहली बार जहन में रखें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मास अफेक्ट नहीं करता, इट विल नॉट अफेक्ट द फॉलिंग बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी को अगर यू ले लें वो जीरो है,
फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, पहले हमें चाहिए मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। एक्सेलरेशन ग्रेविटी है 9.8 हो जाएगा, हाइट हमारे पास 4.9 गिवन है, सो हमें पता है ये एक रिलेशन है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी में। इसमें सारी वैल्यू को अगर प्लग करें तो हमारे पास ये बनेगा, इसको सिंपल करेंगे 9.8, सो दोनों साइड का स्केयर लें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमने मोमेंटम कैलकुलेट करना है, वो मास इनटू वेलोसिटी होगा, सो मास हमारे पास 4 गिवन है, वेलोसिटी ये है, अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको करेंगे तो 39.2 बनेगा, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्रिक्शन इज अ नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन में एफ इक्वल टू म्यू आर होता है, फ्रिक्शन फार्मूला सिंपल है, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सो ये हमने मैकेनिक्स और वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड जो 2017 में आए थे वो सवाल सारे हमने सॉल्व किए। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबका शुक्रिया।